अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से हिलेरी समर्थित धड़ा काफी नाखुश है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का ये लोग काफी विरोध कर रहे हैं। समूचे अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल भी लोग न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन, कैलिफोर्निया, सिएटल और अन्य शहरों के प्रमुख स्थानों पर इकट्ठा हुए और ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली के दौरान फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कल वोटिंग के दौरान कैलिफोर्निया में भी फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं। वहीं सिएटल में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका में एक बड़ा तबका ट्रंप की जीत से नाखुश है और आज भी अमेरिका में कई जगहों पर प्रदर्शन का दौर जारी है। आपको बता दें कि कल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए डेमोक्रेट की हिलेरी क्लिंटन को 218 के मुकाबले 276 वोटों से हरा दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोटों की जरूरत होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं और उनके विरोधियों की तादाद भी काफी ज्यादा है। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर और नस्लवादी विचारों के आलोचक हैं। ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।